Hello, happy Sunday. I am so much gratified. I extend my deepest heartfelt happiness and gratitude. Adawate karam meherbaniya. Aap sabhi ka jinhone aaj is mukam par 3000 subscription ho gaye hain aur mera channel thoda thoda aage badh raha hai. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे संदर्भ में आए हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं तो भी अगर मैं अपने जीवन का योगदान, अपने एक्सपीरियंस का योगदान अगर मैं बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ एक टॉपिक या कंटेंट डेवलप करने में अगर काम ला रहा हूँ और वो आप तक पहुँच रहा है और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो शायद अच्छी बात है. यदि आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, हम ट्रेनर हैं. बेसिकली हम ट्रेनर का एक काम होता है कि हम शिक्षा दें और आपसे बार बार पूछें कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं है. जिस तरह से आपको समझ में आता है और आप जब अच्छा करते हैं, जो टेस्ट में मालूम पड़ता है, अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट लेते हैं और इनमें जब आपका समझ दिखाई देती है, आप लोग की समझ दिखाई देती है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये प्रगति है. उस तरह से मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन में भी ये एक कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है. क्योंकि 27 अगस्त 2020 में जब लॉकडाउन शुरू था, तब मैंने उसी दौरान पे अपना एक प्रण किया था कि रोज़ एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा. इनफैक्ट मेरा वीडियो अपलोड करना, मेरी जर्नी मई 2018 से शुरू हुई है एंड आई हैव बीन कंटिन्यूइंग विद माय अपलोड्स एवरी डे इफेक्टिव 27 अगस्त 2020 टू 27 अगस्त 2021. पूरे एक साल मैंने कोई भी दिन ना रुककर हर एक दिन एक वीडियो अपलोड किया है और बेसिकली स्किल सेट्स पे किया है. तो यदि आप वीडियो पे जाएंगे तो prof.manishnair में आप पाएंगे कि 490 ऑलमोस्ट 500 के आसपास वीडियोस बनाए हैं. इसके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं. 8 प्लेलिस्ट में से जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है या तो मेरे रिसर्च किए हुए है स्किल फैक्ट्री, ये एक प्लेलिस्ट में आता है. इंटरव्यू सीरीज आता है. इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आता है, जहाँ पर मैंने स्टोरीज, एनालॉजीज, एंडोर्समेंट्स, टेस्टिमोनियल्स ये लेने की कोशिश की है. जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ स्किल भी एक स्किल है जिसको मैं वहाँ छू रहा हूँ. अदर देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ट्रांसफरेबल स्किल्स, ये सब स्किल्स एग्जिस्ट होते हैं और ये कितनी बारीकियों से अलग अलग होते हैं, ये मैंने कोशिश की है मेरे तरफ से समझाने की. शायद हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सबसे ज़्यादा स्किल्स पे बात करते हुए दिखाई दे रहा है. हाँ, ये बात अलग है कि मेरा चैनल इंटरटेनिंग नहीं है. शायद मैं इंटरटेनिंग नहीं हूँ, इस शायद मैं ज्ञान दे रहा हूँ और ज्ञान किसे पसंद है? शायद बहुत लोग को ज्ञान पसंद नहीं है. लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जो कि यूथ कैपिटल कहलाता है, ये सिर्फ आगे प्रोग्रेस इसीलिए होगा जब हम सब स्किल्ड हो जाएंगे. एक ही फ़र्क है चाइना और इंडिया में. चाइना हमसे ज़्यादा स्किल्ड है, हालांकि उनकी पॉपुलेशन में भी लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदुस्तान में. अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे और उनकी सीखने की इच्छा, जिज्ञासा देखेंगे, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान बहुत दूर है चाइना से. सिर्फ एक ही है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि रिसर्च भी बताता है कि चाइना हमसे आगे इसीलिए है क्योंकि वो बहुत जल्दी जिज्ञासा दिखाता है चीज़ों को सीखने की और सीख लेता है. स्किल्ड लेबर या स्किल्ड प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा वहीं हैं, इसीलिए शायद उनके देश में 1% ग्रोथ आज भी रहेगा. हमारे इसमें और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो शायद विकासशील देश कहलाए, डेवलपिंग नेशन कहलाए, लेकिन उनके पास इतनी पॉजिटिव में ग्रोथ ही नहीं रहेगी. भले ही सिंगल डिजिट हो, चाइना फिर भी 1% करेगा ग्रोथ. इंडिया शायद नेगेटिव पे जा रहा है और ये सिर्फ उभर के तब आएगा. आने वाले 2 साल में हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक जॉब एस्पायरेंट, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक वॉनप्रनर्स जो चाहते हैं कि वो एंटरप्राइजिंग बने, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, आप प्लीज स्किल्ड रहें. आप भले ही मेरे प्लेटफॉर्म पे ना आए, मेरा प्लेटफॉर्म मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन कहीं भी आपको लगता है प्लीज़ जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान को आज ज़रूरत है हम सभी यूथ की जो उस कगार पे है. शायद गवर्नमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर
या फिर पॉलिसीज हमारे लिए अपनी नौकरी ना दे, लेकिन आज भी स्कोप बहुत है कुछ ना कुछ करने की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स लगेंगे, चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, और हो सकता है कि कन्वर्टर्स लगें। ये सब शायद अगर हम उस विलेज तालुका लेवल तक पहुँचा पाए तो हमारे हर यूथ में ये दम है, सिर्फ जानने पहचानने की ज़रूरत है। और फंड्स तो बाद में आता, पहले आइडिएशन आना चाहिए, इसीलिए मैं स्किल पर इतना ज़्यादा जोर देता हूँ। सी, आई बिन टॉकिंग अबाउट स्किल्स, आई बिन टॉकिंग अबाउट ओनली दो स्किल्स विच आर वेरी स्पेसिफिक एज सॉफ्ट स्किल्स और करियर स्किल्स। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जॉब स्किल्स, आई एम गोइंग बियॉन्ड एंड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री स्किल्स एंड करियर स्किल्स। तो दैट्स माई क्लियर एंगल, एंड दैट्स द रीजन आई हैव रिटन अ बुक ऑल्सो विच इज गोइंग टू गेट पब्लिश वेरी सून। इट इज टेकिंग टाइम, इट विल वॉट एवर टाइम इट विल टेक, आई थिंक इट विल डेफिनेटली सी लाइट ऑफ द डे वेरी सून। बट मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैंने जो कोशिश की है मेरे प्लेटफॉर्म पे, यदि आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपने देखना चाहिए, यदि आप टीचर हैं तो आपको इसे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल पे आए हैं और आपको कुछ नज़र आता है जो वैल्यू एडिशन है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं दे रहा हूँ, यदि आपको भी लगता है तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, जितने ज़्यादा बच्चे आप पहुंचा सकते हैं इसे पहुंचाइएगा। मंशा बहुत सिंपल है, बच्चों को अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देना होता है लेकिन वो हिंदी में वीडियो बनाने कहते हैं, और उनके लिए लास्ट मिनट पर जैसे मेरे को कॉल आते हैं कि सर मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा बाकी सब स्किल्स सेट्स पे भी काम करना चाहता हूँ, और इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, लगभग 190-200 वीडियोस सिर्फ स्किल फैक्ट्री और इंटरव्यू सीरीज़ में है, जो सिर्फ आपको आपके जॉब रेडीनेस, इंडस्ट्री रेडीनेस और करियर रेडीनेस के बारे में बात करते हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ? एक एम्प्लॉयबिलिटी बड़ा शब्द है, उसको मैं एक फनल में डालकर आपको तीन अलग अलग आयाम, तीन अलग अलग पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये भी है कि आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो हर रविवार को 12 बजे से 1 बजे तक मैं इस चैनल पे लाइव आता हूँ और कोशिश करता हूँ बच्चों को वो समझाने के लिए जो वो सरलता से समझ पाए। और ये एक मौका देता हूँ हर बच्चे को कि उनके पास जितने सवाल हो वो सवाल इस मंच पर आकर वो पूछे और अपने जवाब लेके जाए। इसके अलावा यदि आपको और हेल्प लगती है तो मेरा फ़ोन नंबर है, मैं 8 बजे के बाद हर रात को कम से कम 1-2 बच्चे से बात कर सकता हूँ, करता हूँ। और इसके अलावा बाहर के कितने सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। आज मेरे इस चैनल के कारण मेरी इतनी सी तो भी ख्याति हुई है, अगर मैं उसको अपने मेहनत का फल समझूं तो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने इंटरनेशनल DY पाटिल स्कूल ने बुलाया है, जो पाटिल कॉलेज ने बुलाया, इंजीनियरिंग कॉलेज ने बुलाया, जहां पर मैं अपना डिलीब्रेशन दे चुका हूं। मैंने निदान ग्रुप को दिया है, YCC कॉलेज को दिया है, और ख़ास बात हाल ही में मैंने चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को भी एक नेशनल लेवल का वेबिनार दिया है। और भले ही मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, भले ही मैं क्वालिफाइड काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन मेरे 25 साल के जीवन काल में जब मैंने अपने आप को झोंका है और जितनी भी तकलीफ़ों से चीज़ सीखी है, आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है उसे अपने वीडियोस के फॉर्म में लाकर आपको दिखाऊं और बताऊं। मेरी तरफ सिर्फ एक ही आपका जिम्मेदारी बनती है, यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उस कंटेंट में दीजिएगा, भले ही वो गुड बैड या अगली हो। मेरे ख्याल से मैं हर चीज़ को लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। मैं आज भी स्टूडेंट कहलाता हूँ अपने आप को, लर्नर हूँ, इसीलिए शायद मैंने पिछले 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और रिसर्च किया है। मेरे इस कॉन्टेंट का डेवलपमेंट सीधा सीधा एक पोर्टल से आता है जो कि रिसर्च ड्रिवन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब उस रिसर्च कंटेंट को एक बार देखें, और कम से कम इतना तो आप बनता है आपका कि वो फीडबैक उस कंटेंट उस वहां पर यूट्यूब के कमेंट कॉलम में जाकर आप दे सकते हैं, जिससे मेरी प्रेरणा बनी रहे। हालांकि मैं बहुत साफ कहता हूं कि मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल बहुत क्लियर दिखती है और मैं उस पर लगा हूँ और छोड़ूंगा नहीं। मेहनत मैंने की है और भी करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है इस चैनल का शायद लाइफ मेरे से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये वहाँ पर है और आप सबके लिए है।
सिर्फ आप एक ही कोशिश कीजिएगा, आप जो भी है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं शायद IIM IIT के लिए नहीं बना हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ 2.5 से 3 लाख बच्चे 17 लाख बच्चों में से नौकरी पाते हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद एक एनर्जी की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक देना चाहता हूँ। और यदि ये अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी में है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता या फिर आपको तकलीफ़ है, आपको खुलासा चाहिए, तो मैं हर रविवार 12 से 1 बजे आता हूँ और अपने चैनल में उन तमाम बच्चों को एड्रेस करता हूँ, ताकि उन बच्चों की समझ बेहतर हो और वो इंडिपेंडेंट बने। मेरा एकमात्र गोल है कि मैंने जो सीखा है 25 साल के कार्यकाल में, मैं बच्चों को वापस देना चाहता हूँ, और इसी जद्दोजहद में मैं ये मेहनत को कभी रोकूंगा नहीं। आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है, क्योंकि आप आज सुन रहे हैं और मेरे 3000 सब्सक्राइबर को पूरा होते ही मैं आपके पास पहुंचा हूं, ये कहकर कि मेरी मेहनत को आपको शायद एक और दिशा देनी होगी। और उसी के लिए मैं आग्रह करता हूं आप सबसे कि अगर आपको मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अगर सही दिशा में दिख रही है, तो आप भी मेरे इस प्रण में जुड़ सकते हैं और जो मदद मैं करना चाहता हूं हम सब मिलकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे और मैं अपने काम को इस दिशा में आगे बढ़ाता जाऊंगा।